Hello friends, a very good morning to all. Today I'm going to discuss with you another important chapter of biology, that is endocrine system. तो ये बहुत important chapter है biology के purpose से, and most of the time इस chapter से काफ़ी question arise होते हैं. तो चलिए start करते हैं endocrine system से. तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे mention है endocrine system. तो व्हाट इज़ एंडोक्राइन, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि अब हम मैंने आपको पिछले के वीडियो में भी बताया था कि हम जो भी स्टडी करेंगे तो थोड़ा बेसिक से स्टडी करेंगे, तब हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी. तो यहाँ पे मैंने एक एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में, तो आप देखिएगा आपको समझ में चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी. तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन से. सो पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन. तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एंडोक्राइन मींस टू सिक्रीट समथिंग बाय द ग्लैंड. अच्छा, बेसिकली जो एंडोक्राइन का मतलब होता है, वो पर्पस जो होता है इसका, वो टू सिक्रीट समथिंग. ठीक है, इसका जो बेसिक मतलब है वो है एंडो मींस अंदर, क्राइन मींस हार्मोन. ठीक है, एंडोक्राइन मींस बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करना. अच्छा, ये जो एंडोक्राइन है पर्टिकुलरली, ये जिस चीज़ के थ्रू सिक्रीट होते हैं उसे हम ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे कि किस ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल है, और उसकी कमी से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो बेसिकली यहाँ पे एंडोक्राइन टू सिक्रीट समथिंग बाय द ग्लैंड, यानी एंडो मीन्स अंदर, क्राइन मीन्स हार्मोन. हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड के थ्रू हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको हम एंडोक्राइन कहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. चलिए आगे देखते हैं. फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, अब किसी ने तो इसकी डिस्कवरी की होगी ना, तो फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम वॉज थॉमस एडिसन. ठीक है, जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम की डिस्कवरी की थी. तो यहाँ पे थॉमस एडिसन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के फादर हैं, थॉमस एडिसन. यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कम हुआ है उसके लिए सॉरी, बट मैं आपको स्पेलिंग बोल रही हूँ, थॉमस एडिसन. तो फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम थॉमस एडिसन. अच्छा, आगे देखते हैं व्हाट इज़ ग्लैंड. अभी हमने ये देख लिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ग्लैंड. तो यहाँ पे ग्लैंड क्या है, ग्लैंड इज़ अ पार्ट फ्रॉम वेयर हॉर्मोन्स आर सिक्रीट, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था कि ग्लैंड के थ्रू हार्मोन सिक्रीट होते हैं. तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्लैंड इज़ अ पार्ट फ्रॉम वेयर हार्मोन्स आर सिक्रीट. ग्लैंड एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं. ग्लैंड को हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं. तो ग्रंथि एक ऐसी जगह है जहाँ से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स सिक्रीट यानी स्रावित होते हैं. ठीक है, देखिए आप ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, एक एक चीज़ एक एक टर्म को अलग अलग डिफाइन करके पढ़ा रही हूँ. जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत बेसिक से पूछेगा. ठीक है, तो ग्लैंड आपको समझ में आ गया, आपको एंडोक्राइन समझ में आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम समझ में आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम के फादर समझ में आ गए थॉमस एडिसन. चलिए आगे देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हॉर्मोन्स. तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं हार्मोन से रिलेटेड, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है द फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन. तो जो हमारा पहला हार्मोन था, जैसे कि सबसे पहला हमारा विटामिन भी खोजा गया था, यहाँ पे हमारा हार्मोन जो खोजा गया है, द फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड विच वाज सिक्रेटिन. ठीक है, तो सिक्रेटिन ये हार्मोन था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसकी डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी, द फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड, ये इसी हार्मोन की बात कर रहा है, जो सिक्रेटिन जो था हमारा, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, वो की थी E.H. स्टार्लिंग एंड W.N. बेलिन ने. तो जो सबसे पहला हार्मोन सिक्रेट हुआ था वो सिक्रेटिन हुआ था हमारा, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, E.H. स्टार्लिंग एंड W.N. बेलिन. ठीक है, अच्छा, दिस हार्मोन वॉज डिस्कवर्ड इन काउ बेबी. अब जैसा कि एक पर्टिकुलर कोई हार्मोन है तो वो हमारा किसी ना किसी चीज़ में खोजा गया होगा, किसी ना किसी एनिमल में या ह्यूमन में एक्स वाई जेड उसकी डिस्कवरी की गई होगी. तो जो हमारा सिक्रेट, देखिए मैं यहाँ पे आपको बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितना मैं बोलूँगी उतना आप भी बोलेंगे और आपको चीज़ें याद रहेंगी, और आप बोल बोल के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको रिविजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो जो फर्स्ट हार्मोन था जो कि सिक्रेटिन था, और जिसकी डिस्कवरी की थी E.H. स्टार्लिंग एंड W.N. बेलिन ने,
वो हार्मोन जो था वो काउ बेबी में डिस्कवर हुआ था, यानी गाय के बच्चे में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हार्मोन की कॉम्पोजिशन के बारे में। तो हमने पहला हार्मोन पढ़ लिया, किसने डिस्कवर, कौन सा हार्मोन डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था एंड कहाँ डिस्कवर हुआ था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको विटामिन में बताया था कि विटामिन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे और वो हमारे कंपाउंड जो थे वो कार्बन के बने हुए थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हार्मोन्स जो हैं हमारे बेसिकली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है हार्मोन का उसमें प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या हार्मोन हमारे प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंड फ्लो इन ब्लड। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे हार्मोन्स जो हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं वो फ्लो इन ब्लड, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन मीन्स इनसाइड द बॉडी टू सिक्रीट समथिंग इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो रिलीज़ हो रहे हैं हार्मोन, अब वो किसी ना किसी थ्रू से या किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन से तो जाएंगे ना, तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो ब्लड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ये पर्टिकुलर एक ग्लैंड से निकलने के बाद ब्लड में मिक्स होते हैं और अपने टारगेटिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जो भी इनका टारगेट पॉइंट है। तो हार्मोन्स हमारे ग्लैंड से रिलीज हुए, ब्लड में आए हमारे, और ब्लड में सर्कुलेट होके हमारे पर्टिकुलर एक साइट पे पहुंच गए जहाँ पे इन पर्टिकुलर हार्मोन्स की हमारी बॉडी में नीड होती है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे वे में पढ़ा रही हूँ, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं सब इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। अच्छा अब हम ये देख लेते हैं, हमने एंडोक्राइन जान लिया, हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने फादर पढ़ लिया, हमने एंडोक्राइन के फादर पढ़ लिए, हमने डिस्कवरी पढ़ ली, कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, कहाँ डिस्कवर हुआ था, कॉम्पोजिशन क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट ग्लैंड। ठीक है, तो हमें इस अपनी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर किन किन ग्लैंड की स्टडी करनी है, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो करनी है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड नंबर पर हम स्टडी करेंगे पीनियल ग्लैंड की, एंड थर्ड नंबर पर हम स्टडी करेंगे थायराइड, देन थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में। एक पिट्यूटरी ग्लैंड और आपकी जो है ये एंडोक्राइन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ग्लैंड्स को हम थोड़ा ज़्यादा डीप में स्टडी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ओवरी की, देन हम टेस्टिस की स्टडी करेंगे। तो ये टोटल पूरे हमारे 8 ग्लैंड हैं, तो हम इन 8 ग्लैंड की स्टडी करेंगे। देन इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिसीज़ हो जाती है, ये हम सब डिटेल में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो हम स्टडी करते हैं वो हम पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये एंडोक्राइन सिस्टम की। तो यहाँ पे जो हम पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की जो सबसे छोटी ग्लैंड है वो कौन सी है, तो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम की जो सबसे छोटी ग्लैंड है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो सबसे छोटी ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अच्छा, इसका साइज़ क्या होता है, इसका साइज़ होता है 0.06 ग्राम। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी छोटी है। ठीक है, बहुत छोटी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी की। और एक चीज़ और, इसका अगर शेप पूछने के लिए आ जाता है तो ये पी शेप ग्लैंड होती है। ठीक, तो सबसे छोटी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, पी शेप ग्लैंड है, और इसका साइज़ अगर पूछे तो 0.06 ग्राम, और शेप तो मैंने आपको भी बता ही दिया कि पी शेप होती है, यानी मटर के दाने के आकार की होती है ये। अच्छा, अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। ये जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से ही एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद ये हमारा, अगर इससे साइज़ पूछें तो साइज़ जो है इसका 0.06 ग्राम है, और अगर आप शेप पूछें तो पी शेप ग्लैंड है, और इट इज़ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो मैंने आपको भी बताया ही था। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड इज द वर्क ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है,
तो इसके अंदर हम बहुत सारे हॉर्मोन्स आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिक वर्क क्या होता है। द वर्क ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल। जो फीमेल्स में ब्रेस्ट है उसके अंदर ये मिल्क फॉर्मेशन करती है। यानी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिफिशियंसी हो जाए तो फीमेल्स की ब्रेस्ट में मिल्क की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो ये ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है फीमेल के लिए। ठीक है, तो आपको इसका वर्क समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम बहुत सारे हॉर्मोन्स की स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और सारे हॉर्मोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं वो। और ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे हॉर्मोन देखते हैं ग्रोथ हॉर्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एक हॉर्मोन रिलीज होता है उसका नाम है ग्रोथ हॉर्मोन। ग्रोथ हॉर्मोन तो इसको एज अ टर्म दे दिया है, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो है सोमेटोट्रॉपिक हॉर्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रॉपिक हॉर्मोन जो है उसको हम ग्रोथ हॉर्मोन कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और इसे हम एसटीएच भी कहते हैं, सोमेटोट्रॉपिक। ठीक, तो और जो हमारा नेक्स्ट हॉर्मोन है वो है हमारा एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। नेक्स्ट हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हॉर्मोन निकलता है वो है ऑक्सीटोसिन। देन है हमारा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। देन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। तो टोटल हम यहाँ पांच की स्टडी करेंगे, पांच हॉर्मोन की जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। पहला है हमारा ग्रोथ हॉर्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रॉफिक या एसटीएच भी कहते हैं। सेकंड है हमारा एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन। थर्ड है हमारा ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन। फोर्थ है हमारा एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। एंड हमारा फिफ्थ नंबर है एफएसएच, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। ठीक, अच्छा आगे प्रोसीड करते हैं। आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा रही हूँ, बहुत बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, और सारी वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप जब ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा लेक्चर अभी एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसका जो सेकंड पार्ट होगा जब आप इसके दोनों पार्ट देख लेंगे, तब आप पीसीएस तक के क्वेश्चन लगाइएगा। आप ये देखिएगा कि मेरे नोट्स से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हमारा फर्स्ट हॉर्मोन सिक्रीट हो रहा है वो है ग्रोथ हॉर्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हॉर्मोन जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो है हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले दिया हुआ है, और आपको ये पता है कि इट इज़ कॉल्ड सोमेटोट्रॉफिक एसटीएच, इसको हम सोमेटोट्रॉफिक भी कहते हैं। और इट इज़ सिक्रीट टिल 19 to 20 एज। ये वही हॉर्मोन है जो लोग कहते हैं अक्सर कि आपकी 19 to 20 एज हो गई है, अब इसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी आपकी। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है हमारा, ये 19 to 20 एज तक ही सिक्रीट होता है। ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ये आफ्टर द 20 एज ये सिक्रीट नहीं होता है। जितनी भी ग्रोथ इसको करनी होती है टिल द बर्थ से लेके टिल 20 एज तक, ये हार्मोन सिक्रीट होता रहता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। तो जो हमारा सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन है, और ये 19 to 20 एज तक सिक्रीट होता है। उसके बाद ये हार्मोन नहीं सिक्रीट होता है, इसलिए हमारी हाइट वहीं रुक जाती है। उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू एक्रोमेगैली। कुछ लोग जो होते हैं वो इतनी हाइट के होते हैं, मीन्स नॉर्मल एवरेज हाइट से अबव होते हैं, थोड़ा मतलब उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम एक्रोमेगैली। ठीक है, और ये जो होता है ये इस सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन की वजह से ही होता है। मतलब कोई इंसान बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता चला जाएगा, बट एक पर्टिकुलर एक एवरेज लेवल आता है जहाँ पे उसकी जो है हाइट रुक जाती है। बट नॉर्मल जो लोगों में हाइट वैरी करती है, इसकी इसकी हाइट इन लोगों की हाइट उससे ज़्यादा होती है। तो इस टर्म को हम कहते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, तो यानी अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल गया, सोमेटोट्रॉफिक ज़्यादा रिलीज हो गया, तो वो एक्रोमेगैली डिसीज़ हो जाती है। एक एक्रोमेगैली डिसीज़ हो जाती है जिसमें इंसान बढ़ता रहता है, नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो। ठीक है, अच्छा ये बात तो हो गई, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो हमारी बॉडी में एक्रोमेगैली हो गया। अब क्या कह रहा है, द डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन, अगर ये हमारी बॉडी में रिलीज ही ना हो
बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो, तब क्या होगा? तो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था तो लोग बढ़ते चले जा रहे थे, एक्रोमिगैली हो गई थी उनको, और अगर कम अमाउंट में रिलीज़ होगा तब क्या होगा? तब यहाँ पे ड्वार्फिज्म हो जाएगा, और ड्वार्फिज्म का मतलब आपको पता है बौनापन, यानी इस हार्मोन को एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज़ होना होता है जितनी हमारी बॉडी में नीड होती है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो गया तब भी ये प्रॉब्लम अकर करेगा, और अगर ये कम रिलीज़ हो गया तब भी लोगों में ये प्रॉब्लम अकर करेगा। ज़्यादा हो रहा है तो एक्रोमिगैली कर रहा है, और अगर कम रिलीज़ हो रहा है तो ड्वार्फिज्म हो रहा है, यानी लोग नाटे रह जा रहे हैं, बौने रह जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हार्मोन हमारी बॉडी के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हमारा ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे एक पी शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि इस हार्मोन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वासोप्रेसिन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं मान रही हूँ आपको वर्ड थोड़े टफ लग रहे होंगे, बट एंडोक्राइन सिस्टम में ये टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है तो इनको आपको रटना पड़ेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप जितना बोलेंगे, जितना बार कोशिश करेंगे बोलने की, आपको चीज़ें उतनी यूज्ड टू होती जाएंगी। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वासोप्रेसिन, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम वासोप्रेसिन भी कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन टू एब्जॉर्ब द वाटर इनसाइड द बॉडी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है। जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन का देखा, भाई वो ग्रोथ कर रहा था हमारी बॉडी में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या वर्क है? ये कह रहा है कि हमारी बॉडी में जो वाटर होता है, ठीक है, हमारे वाटर को बॉडी में एब्जॉर्ब करता है ये हार्मोन। अगर हम पानी पी रहे हैं और वो अगर हमारी बॉडी में विदाउट एब्जॉर्ब हुए, हमारी बॉडी से पास आउट हो गया, तो हमारे पानी पीने का क्या फ़ायदा? तो हमारी बॉडी में पानी स्टे भी तो करना चाहिए, और जो हमारी बॉडी में स्टे करेगा तभी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास हमारे पानी जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। सेल्स को पानी बहुत ज़्यादा नीड होती है। जब मैं आपको साइटोलॉजी पढ़ाऊँगी, बॉटनी का पार्ट है, तब मैं आपको बताऊँगी कि वाटर का क्या रोल रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब जब हमारी बॉडी में पानी जाएगा और वो हमारी बॉडी में स्टे नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो पास आउट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इस हार्मोन का वर्क ही होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, कि हमारी बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ठीक है, ये आपको समझ आया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, द डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। क्या मतलब है इसका? अगर हमारी बॉडी में इस हार्मोन की कमी हो गई तो हमारी बॉडी में ये डिसीज़ हो जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब होता है थर्स्ट। ठीक, इंसिपिडस का मतलब होता है थर्स्ट, यानी जो लोग हमारी, यानी जो लोग जिनकी बॉडी में ये डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, उन्हें बार बार प्यास लगेगी। अब इन दोनों को लिंक करके देखते हैं ज़रा। इन दोनों का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी में, हमारे हाइपोथैलेमस में, मैं आपको जब ब्रेन पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कि एक थर्स्ट और आपका स्टारवेशन, ये सारे सेंटर्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में प्यास लगेगी तो हमारी बॉडी में, जब हम पानी लेंगे और उसको पियेंगे, जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो वो वेस्ट हो गया हमारा पानी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है, इसमें क्या होता है कि बंदे को बार बार प्यास लगती है, तो प्यास लगेगी, वो पानी पिएगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा वो फिर बाहर निकल जाएगा, तो फिर प्यास लगेगी। तो इस डिसीज़ में बार बार प्यास लगती है। इंसिपिडस का पर्टिकुलर मीनिंग की थर्स्ट से होता है। तो यहाँ पे जो है, इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है अगर हमारी बॉडी में ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना रिलीज हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है और तब भी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जो है वो भी हमारी बॉडी में इस हार्मोन को बहुत इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में अल्कोहल
भी इस हार्मोन को बहुत इफेक्ट करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चार पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पे वही बताए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पिट्यूटरी हार्मोन का जो नेक्स्ट हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका क्या नाम है। उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या बर्थ या ईजी बर्थ हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे ये ईजी बर्थ हार्मोन, ये आपको हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ये ईजी लिखा हुआ है, ईजी बर्थ हार्मोन। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं और हम ईजी बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है, तो देखिए वो जो रिस्पॉन्सिबल था फीमेल की ब्रेस्ट में क्या कहते हैं ब्रेस्ट फॉर्मेशन में मिल्क को फॉर्म करने में जो रिस्पॉन्सिबल था वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी रिस्पॉन्सिबल थी वो इस ऑक्सीटोसिन की वजह से ही थी, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है यही फीमेल की ब्रेस्ट में मिल्क को इजेक्ट करता है, यानी मिल्क को फॉर्म होने के लिए प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं इसे। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या वर्क था, फीमेल की ब्रेस्ट में मिल्क को फॉर्म करना, और वो मिल्क को फॉर्म कौन कर रहा था, वो ऑक्सीटोसिन कर रहा था। ठीक है, इसलिए हम इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कह रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे, ईजी बर्थ हार्मोन। क्या मतलब है इसे ईजी बर्थ हार्मोन में हार्मोन का, जब फीमेल्स में डिलीवरी होती है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये हार्मोन रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसलिए हम ईजी बर्थ हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के थ्रू बर्थ जब बेबी डिलीवर होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो ये जो हार्मोन है ये उस प्रॉब्लम को कवर अप करता है ऑक्सीटोसिन, इसलिए हम ईजी बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी फीमेल में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो कि फीमेल्स में डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हार्मोन फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, और ईजी बर्थ हार्मोन भी हम इसे कहते हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है MSH। ठीक, अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अपने तीन हार्मोन्स की स्टडी कर ली, अब नेक्स्ट जो हम हार्मोन की स्टडी करेंगे वो है हमारा MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये पता चल रहा होगा कि मेलानोसाइट, मेलानिन का मतलब होता है, मेलानोसाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी में फॉर्म करता है मेलानिन ऑफ स्किन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े डीप में स्टडी कर लेते हैं क्या है ये मेलानिन एंड क्या है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारी स्किन का जो कलर है, जो हमारी स्किन का कलर है वो मेलानिन के थ्रू फॉर्म होता है, यानी मेलानिन जो है हमारी स्किन में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये जो मेलानिन है, तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, स्टिमुलेट मानी उसको इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना कि भाई तू रिलीज हो जा, स्किन का मेलानिन फॉर्म कर दे। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है MSH, ये हमारी बॉडी में स्किन पे जो मेलानिन होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इंड्यूस करता है फॉर्म होने के लिए। तो MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हमने टोटल चार स्टडी कर ली अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर चार हार्मोन्स की। अब हम स्टडी करते हैं FSH। क्या है ये FSH, इसकी फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, जब मैं आपको आपकी क्लास जब और डिटेल में स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कि FSH को हम एक और नाम भी देते हैं, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको और डीप में पढ़ाऊँगी। यहाँ पे तो ये सिर्फ मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको इससे भी ज़्यादा और डीप में पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपका क्वेश्चन कहीं से बाहर ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और डीप में स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। नाउ अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनेट क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं। गोनेट वो होते हैं, हमने फीमेल का ओवा लिया एंड स्पर्म का हमने मेल्स का हमने स्पर्म लिया, इन दोनों को मिला के जो एक पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल होता है उसको हम गोनेट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ,
हमने फीमेल से ओवा लिया एंड मेल से हमने स्पर्म लिया एंड इन दोनों को मिला के हमने फॉर्म कर दिया गोनेट, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मींस इट इंड्यूस द स्पर्म एंड ओवा, यानी ये हार्मोन जो है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेल से कहता है कि तुम स्पर्म फॉर्म करो एंड ओवा से कहता है कि ये तुम फीमेल से कहता है कि तुम ओवा फॉर्म करो। तो फीमेल्स में जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है वो इस FSH हार्मोन की वजह से हो रही है एंड फीमेल में जो ओवा की फॉर्म हो रही है वो इस FSH की वजह से ही हो रही है। तो मेल में स्पर्म कौन बनवा रहा है? FSH बनवा रहा है, और फीमेल में जो ओवा बनवा रहा है वो भी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना करवा रहा है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए हम इसको गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। टोटल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 5 हार्मोन्स की स्टडी की और मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है, चीज़ों को रिपीट करके समझाने की कोशिश करी है। सारे मैंने वही पॉइंट्स उठाए हैं जो एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं। जब ये प्रॉपर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर आपको एक क्विज़ की वीडियो भी बनाऊंगी, उससे आपको ये पता चल जाएगा। उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखूंगी। यहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही, कुछ भी बकवास नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें वही पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पाँच हार्मोन थे, हमने उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एक हार्मोन, एक ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। क्या है हमारी एड्रिनल ग्लैंड? देखिए, बायोलॉजी में जो एड्रिनल का मतलब होता है उसका मतलब होता है किडनी, ठीक। मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछेगा ना तब भी आपका कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। एड्रिनल, एड्रिनल का क्या मतलब है यहाँ पे? एड्रिनल का मतलब है किडनी, ठीक है। तो ये अब जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट थी, तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन किडनी। ये ग्लैंड जो है ये हमारी किडनी के अपर पार्ट पे, यानी ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में किडनी दो होती हैं, वन पेयर किडनी, यानी दो किडनी, लेफ्ट एंड राइट, ठीक। तो जो किडनी है हमारी, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब जब हमारी किडनी का नंबर दो है तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने हार्मोन मेंशन कर दिया है, बट यहाँ पे आप ग्लैंड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी किडनी का नंबर जब दो है तो यहाँ पे जो हमारी ग्लैंड है तो हमारी ग्लैंड भी दो ही हो जाएंगी यहाँ पे। तो हमारी किडनी के ऊपर दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, और ये टू नंबर्स में होती हैं। यहाँ पे मैंने हार्मोन गलत मेंशन कर दिया है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। तो द नंबर ऑफ दिस ग्लैंड इज़ टू, क्योंकि जब हमारी किडनी का नंबर दो है तो हमारी इस ग्लैंड का नंबर भी दो है। एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड एंड अनदर किडनी के ऊपर अनदर ग्लैंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ दिस ग्लैंड इज़ टू। अब क्या है, द हार्मोन सिक्रीट बाय दिस ग्लैंड इज एड्रिनलिन। ये तो आपको बहुत ईजी याद हो जाएगा, एड्रिनल और एड्रिनलिन, आगे आपको आई एन ई जोड़ना है। तो ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड से जो हमारा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है वो एड्रिनलिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब हमारी एड्रिनल ग्लैंड दो हो गई, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हार्मोन जो से सिक्रीट हो रहा है वो एड्रिनलिन सिक्रीट हो रहा है। नाउ अनदर पार्ट इज कि क्या काम है इस एड्रिनलिन का हमारी बॉडी में? कोई ना कोई तो वर्क करता होगा ना हमारी, जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के इतने सारे हार्मोन्स पढ़े उसका हमने पर्टिकुलर वर्क देखा, तो यहाँ पे हम एड्रिनलिन का भी वर्क देख लेते हैं। एड्रिनलिन का जो फर्स्ट काम होता है वो होता है इट ऑल्सो कंट्रोल द बीपी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो बीपी मींस ब्लड प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर जो है, मैं आपको ये जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत डीप में आपको पढ़ाऊंगी, इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल बीपी, यानी ये हमारा जो हार्मोन है ये बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक काम, और इसका नेक्स्ट काम क्या है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू ब्लड इन फीमेल, ठीक है। ये कह रहा है हाइपर मींस ज़्यादा, सिक्रीशन मींस सिक्रीट होना, और हाइपो मींस लेस होता है। हाइपो सिक्रीशन इज़ अ डिफरेंट टर्म एंड हाइपो सिक्रीशन इज़ अ डिफरेंट टर्म। हाइपर सिक्रीशन मींस ज़्यादा रिलीज होना एंड हाइपो सिक्रीशन मींस कम रिलीज होना। तो ये जो हाइपर सिक्रीशन है, इस हार्मोन का जो हाइपर सिक्रीशन होता है वो फीमेल्स में दाढ़ी आ जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स में स्किन पर बहुत ज़्यादा हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है,
और ये तो ये वो जो ग्रोथ होती है वो इस हार्मोन की वजह से ही होती है। तो इस हार्मोन के दो मेन वर्क हो गए, इट ऑल्सो कंट्रोल द बीपी एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू बियर्ड इन फीमेल। तो ये हार्मोन के दो वर्क हो गए, ज़्यादा सिक्रीट हो गया फीमेल्स में तो बियर्ड यानी उनकी दाढ़ी निकल आएगी फीमेल्स की, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको दो ग्लैंड कंप्लीट कर दी आपकी, एक मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड कंप्लीट कर दिया है। देखिए मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया है और ये चैप्टर थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि मैं आपको इतनी सारी ग्लैंड्स पढ़ाऊँगी तो ये थोड़ा इसके लिए वीडियो मुझे ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो मैंने एक वीडियो में इतना कवर अप करने की कोशिश करी है। आज मैंने आपको सारा बेसिक पढ़ा दिया एंडोक्राइन का और ग्लैंड व्हाट इज़ ग्लैंड एंड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड ये सब चीज़ें मैंने आपको सब डिटेल में पढ़ा दी, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड। बाकी की जो हम और ग्लैंड्स हैं हमारी, जैसे कि ओवा ओवरी पढ़नी है हमें, टेस्टिस पढ़नी है, पैनक्रियास पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें थायरॉयड ग्लैंड पढ़नी है, थाइमस ग्लैंड पढ़नी है, वो सारे हार्मोन्स जो हैं, वो सारी ग्लैंड्स जो हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, आपको चीज़ें बेसिक से समझ में आई होंगी और मैंने इसमें सब कुछ समझाने की आपको बहुत ईजी करने की कोशिश करी है। और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।